हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो आई एम संदीप सिंह, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कस किया और लोगों के कमेंट को देख के ये पता चला कि सर अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहाँ मिसिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पजल। ठीक है भाई, तो आइए जरा समझते हैं कि ये पजल है क्या। पजल देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ पजल एक ऐसी वैरायटी है जो आज की डेट में हर एक कुछ टॉपिक में, हर एक एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पजल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि सर हायर जो रीजनिंग आती है सिर्फ उसमें पजल आते हैं, बट आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। आप DSSB का पेपर दीजिए, आप KVS का पेपर दीजिए, आप SSC का पेपर दे के आ रहे हैं, CPO का पेपर दे के आ रहे हैं, हरियाणा पुलिस का दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस का दे रहे हैं, पजल का एक छोटा सा ही सेट एग्ज़ाम में जरूर आ रहा है। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं कि पजल है क्या या इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए पजल का मतलब होता क्या है। पजल का जैसे ही दिमाग में नाम आता है, सब लोग के दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है कि यार पजल मतलब इतना बड़ा सेट होगा तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। कभी भी पजल से घबराने की जरूरत नहीं है। पजल मतलब नथिंग। पजल क्या है? कुछ भी नहीं है। पजल को अगर ये सोचेंगे कि भाई ये सबसे गंदा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है, एक भी क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं हो पाते, अगर ऐसी चीज़ें अगर आप अप्रोच बना लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पजल पे कमांड कभी कर नहीं पाए। और पजल कोई टॉपिक है ही नहीं, इनकम्प्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी उनका क्या है, इनकम्प्लीट एक सेट है। कोई भी डेटा जो डायरेक्टली बोला जाता था, क्या ऐसे बोला जाए कि राम जो है वो बेंगलोर जाता है और हवाई जहाज से जाता है और उसे आइसक्रीम खाना पसंद है, इस लाइन को सीधा ना बोल के ऐसे बोल दे कि वो बंदा जो बेंगलोर जाता है उसको आइसक्रीम खाना पसंद है ना। फिर उसका ये बोल दे कि राम जो है वो पर्टिकुलरली श्रीलंका या फिर कनाडा वहां नहीं जाता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन के देखिए यहां तीन पार्ट्स हो सकते हैं। पहले इंफॉर्मेशन जो पॉजिटिव होगी, दूसरी इंफॉर्मेशन जो नेगेटिव होगी, और तीसरी इंफॉर्मेशन जो क्ल्यू होंगे। क्ल्यू में पॉजिटिव दोनों हो सकता है, साथ साथ कॉम्बिनेशन होंगे। तो इन तीन चीज़ों को ध्यान में आपको रखते हुए पजल को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। ठीक है, अब पजल को सॉल्व करने के कुछ ऐसे पजल्स होते हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं, जिनको आप एक से डेढ़ मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पजल्स भी आते हैं जिनको सॉल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट भी लग सकता है। कुछ ऐसे पजल भी आते हैं जो बैंकिंग वगैरह में आते हैं, उसको सॉल्व करने में आपको 4 से 5 मिनट भी लग सकता है। और कुछ और भी उससे ज़्यादा हाई लेवल के आ सकते हैं, इसको सॉल्व करने में कम से कम आपको 8 से 10 मिनट भी लग सकता है। तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का पजल आप सॉल्व कर रहे हैं या किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी हिसाब से पजल का वेटेज और उसके बाद पजल को सॉल्व करने का जो तरीका है, कितने मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, आप उसको भी समझ सकते हैं। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पहचानना है, और पहचानना है कि किस मेथड से सॉल्व हो रहा है, तभी उसके बिहाफ पे आप पजल पे कमांड कर पाए। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे पजल की सबसे पहली कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं 1:1 रेशियो मेथड। ये 1:1 रेशियो मेथड क्या है, पहले जरा इस पर कमांड करते हैं। 1:1 रेशियो मेथड के क्वेश्चन जो है वो एक कॉमन ये केस है जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। हर एक एग्जाम में, चाहे आप DSSB का पेपर दीजिए, KVS का पेपर दीजिए, पजल की ये कहानी आपके हर एक एग्जाम में आ रही है। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ पर्सन दिए जाएंगे कि 5 पर्सन है या 7 पर्सन है। 7 पर्सन होंगे तो 7 कंट्री होंगी, 7 कंट्री होंगी तो 7 उनके प्रोफेशंस होंगे, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक के लिए, सिर्फ एक। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1:1 रेशियो मेथड। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए शुरू करते हैं, पजल का एक सेट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में किस कैटेगरी के आते हैं या कैसे आप क्वेश्चन को देखते ही पहला ही से पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन कौन सा 1:1 का है या कौन सा किसी और मेथड का होगा। इसके और भी सारे केस होंगे। पजल में करीब हम लोग 7 से 8 टाइप कैटेगरी पढ़ेंगे, जिससे आपका बेसिक लेवल से लेकर बैंकिंग उस तक के सारे क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट हो जाए। तो काफी थोड़ा टाइम लगेगा, बट बने रहिएगा, देखते रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये इस टॉपिक के बिना अगर रीजनिंग में फुल ऑन फुल मार्क्स के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो फिर वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। उस सपने को हकीकत बनाने के लिए पजल की इस कैटेगरी को समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस के देखते हैं। स्लाइड पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां बोला गया कि 5 फ्रेंड्स हैं, A, B, C, D और E। इन्होंने क्या किया है, 5 शर्ट्स पहनी है, कौन कौन सी, ग्रीन, येलो, पिंक, रेड और ब्लू, और उसके साथ साथ इन्होंने 5 कलर की पैंट्स भी पहनी है, शॉर्ट्स पहनी हुई है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्लू और ग्रीन। तो यहां से आप देखिए पहले जो क्वेश्चन की कह रहा है उससे क्या पता चल रहा है कि इसमें 5 पर्सन है, 5 ही शर्ट के कलर है और 5 ही पैंट के कलर है। बोलिए, 5 पर्सन,
पांच शर्ट के कलर, पांच पैंट के कलर, क्या सारी इन्फॉर्मेशन 1:1 के फॉर्म में है? एक के लिए सिर्फ एक ही होगी, कोई बिना शर्ट के नहीं रहेगा भाई, कोई बिना पैंट के नहीं रहेगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है 1:1 का। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व जब करना है तो इसका अप्रोच क्या होता है। अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे यहाँ पे एक टेबल आप वैसे फॉर्म कर लेंगे, और टेबल में क्या करना है आपको, सिर्फ वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं टेबल को, वर्टिकल बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहली कहानी आप लिख देंगे जो पर्सन है वहाँ पे, उन पर्सन के बारे में लिख देंगे, या फ्रेंड्स हो गए जो भी होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन आप क्या लिख देंगे, शर्ट का जो कलर होगा वो लिख देंगे। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या देगी क्वेश्चन में, शॉर्ट्स लिख लीजिए या पैंट लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख लीजिए, ये होगी भाई हमारी इन्फॉर्मेशन। तो बैकग्राउंड बनाते ही, प्लेटफॉर्म बनाते ही आधी कहानी तो आपकी यहीं क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताइए इसमें कितने पर्सन हैं, पांच पर्सन थे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनके लिए इस तरीके से एक फॉर्मेट डिसाइड कर दिया, इसको हमने बेस बना दिया। बेस मतलब कि जिस तरीके से लिखा हुआ बिल्कुल हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर मुझे शर्ट के कलर और पैंट के कलर को फिल करना है। तो अब देखिए इन्फॉर्मेशन मैंने क्या कहा था पजल में भी शुरू में, कि इन्फॉर्मेशन तीन तरीके की होती है। एक इन्फॉर्मेशन जो पॉजिटिव होगी, जो पॉजिटिव होगी उसको हम सीधा क्या करेंगे, बॉक्स में फिल करेंगे। जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, बॉक्स के जस्ट साइड में उसको लिख देंगे कि उस बॉक्स में वो वैल्यू नहीं आ सकती है। और तीसरी कहानी जो उसका कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन को पहले हम साइड में कहीं लिखेंगे, जब वो कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएगा तब जाके उसमें हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के क्या कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि डी वर ब्लू शर्ट एंड सी वर ग्रीन पैंट। उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, नो बडी वर शर्ट एंड पैंट ऑफ सेम कलर। दिमाग में आप पहले ये चीज बैठा लीजिए कि किसी बंदे ने अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन कलर की शर्ट है और अगर नीचे ग्रीन कलर की पैंट होगी तो दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बोला हुआ है कि जिसने जिस कलर की शर्ट पहन ली है वो उसी कलर की पैंट नहीं पहन सकता। तो देखिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लिखी गई कि डी वर ब्लू शर्ट एंड सी वर ग्रीन पैंट। डी ने क्या पहना है, ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। देखिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी तो आप क्या सीधा यहां पे लिख देंगे कि डी ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी, क्लियर है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सी वर ग्रीन पैंट, सी ने ग्रीन कलर की पैंट पहनी हुई है तो सी ने ग्रीन कलर की पैंट लिख दी, है ना। जो जैसे बोला बिल्कुल वैसे लिखते चले जाना, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं करना। फिर ये क्या कह रहा है कि वो पर्सन जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी, द वन हु वर ग्रीन शर्ट वर ब्लैक पैंट। ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव या कॉम्बिनेशन है बोले तो आप कहेंगे सर ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कि जिस बंदे ने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी होगी उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ब्लैक कलर की शर्ट पहनानी है। लेकिन अब यहां ये इंफॉर्मेशन कहां हो सकती है, अभी मुझे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जरा ध्यान दीजिए कि जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी उसको ब्लैक कलर की पैंट पहनना ही पड़ेगा। क्या मेरे पास यहां कहीं ग्रीन कलर की शर्ट है क्या, अगर होती तो उसके जस्ट नीचे हम क्या लिख देते, ब्लैक लिख देते। अगर ब्लैक कलर की पैंट पता होती तो उसके जस्ट ऊपर हम ग्रीन लिख देते। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन वहां हो सकता है जहां अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो या तो ए पे हो सकता है या तो बी पे हो सकता है या फिर ई पे हो सकता है। ये लाइन समझ में आ गई क्या, अभी ये कंफर्म है क्या, अभी ये कंफर्म नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। फिर ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है वो पर्सन जिसने ब्लू कलर की पैंट पहनी है उसको रेड कलर की शर्ट पहनना पड़ेगा। तो लो भाई मैंने यहां फिर एक कॉम्बिनेशन बना दिया। ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्यों, क्योंकि अभी मुझे ब्लू कलर की पैंट नहीं पता है। अगर मुझे ब्लू कलर की पैंट पता होती तो उसके जस्ट ऊपर मैं क्या करता, रेड लिख देता। कहानी क्लियर हो गई। तो ये दो कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। अब बताइए दोनों कॉम्बिनेशन कहां कहां हो सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन वहां हो सकते हैं जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पहना, वो कौन है, वो या तो ए है या तो बी है या फिर ई है। कहानी समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अभी मुझे कोई कॉम्बिनेशन कोई क्लू नहीं मिल रहा है, छोड़ के आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे इंफॉर्मेशन होगी। देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या लिखा हुआ है, ए ने व्हाइट कलर की पैंट पहनी है और पिंक कलर की शर्ट पहनी है। ध्यान दीजिए ए ने व्हाइट कलर की पैंट पहनी तो हम यहां पे व्हाइट लिख देते हैं, और इसने पिंक कलर की शर्ट पहनी तो हम यहां पिंक लिख देते हैं। बोलिए सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी, पॉजिटिव डेटा था तो हमने यहाँ बॉक्स में फिल कर लिया। फिर देखिए क्या बोला हुआ है कि ई डिड नॉट वियर रेड शर्ट। ई के लिए कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई कि ई ने रेड कलर की शर्ट नहीं पहनी है, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन का डेटा था। अब जरा देखिए कि हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव डेटा होगा पॉजिटिव डेटा को बॉक्स में फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो कॉम्बिनेशंस आए हुए हैं उन कॉम्बिनेशंस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइए ये दोनों कॉम्बिनेशन अब कहां कहां हो सकते हैं। सर या तो ये बी पे हो सकता है या तो ये ई पे हो सकता है। कहानी समझ में आ रही है। तो चलिए अब ये बताइए बी के लिए यहां कुछ भी ना तो इन्होंने कुछ पॉजिटिव बोला है ना तो कुछ नेगेटिव बोला, मतलब कि ये दोनों कॉम्बिनेशन बी पे आ सकते हैं। बट वॉट अबाउट ई,
ई के लिए बोला गया है कि यहाँ पे रेड कलर नहीं हो सकता, रेड कलर की शर्ट नहीं हो सकती। अब ध्यान दीजिए कि इस कॉम्बिनेशन में रेड कलर की शर्ट भी थी, इसका मतलब क्या ये कॉम्बिनेशन ई पे आ सकता है क्या? बोलिए नहीं आ सकता। अगर रेड वाला कॉम्बिनेशन ई पे नहीं आएगा तो ई पे कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? ग्रीन वाला। तो हम यहाँ पे ग्रीन लिख देंगे और ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन क्या था भाई? ब्लैक था, तो हम यहाँ ब्लैक लिख देंगे। बोलिए अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है रेड और ब्लू वाली, अभी इसके लिए जगह कहाँ बची मेरे पास? इसके लिए जगह बची हुई है बी पे, तो यहाँ मैंने लिख दिया रेड और यहाँ मैंने लिख दिया ब्लू। अब देखिए शर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक जगह इन्फॉर्मेशन बची हुई है, पैंट में देखिए सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन बची है। अपने डेटा को देखिए जो शुरू में शर्ट के कलर और पैंट के कलर थे, देखिए इसमें कौन सा कलर बच गया? देखिए ग्रीन, येलो, पिंक, रेड और ब्लू। इससे मुझे पता चल रहा है कि येलो कलर की शर्ट अभी तक नहीं आई है, तो चलिए हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया येलो, है ना। अब देखिए पैंट में वाइट, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक हो चुकी है। देखिए डेटा में अभी कौन सा कलर की पैंट बच गई? ग्रे कलर की। तो हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया ग्रे। हो गए क्वेश्चन सॉल्व। पांच क्वेश्चंस के भी यहाँ पे देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है, बस क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, क्वेश्चन का आंसर निकलता जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट वाज द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ डी शर्ट एंड पैंट। कह रहा है डी ने किस कलर की शर्ट और पैंट पहनी है, जरा देख लीजिए भाई डी ने किस कलर की शर्ट और पैंट पहनी है, ब्लू और ग्रे। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा है, कहीं है ब्लू और ग्रे? ऑप्शन नंबर देखिए सी आपको दिखाई पड़ रहा है, उस पर लिखा हुआ है ब्लू एंड ग्रे, तो क्या करेंगे सी वाले ऑप्शन को वहां पे टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, हु वर व्हाइट पैंट, किसने व्हाइट कलर की पैंट पहनी है। देख लीजिए व्हाइट कलर पैंट कहाँ लिखा हुआ है, ए पे, तो देखिए ऑप्शन कहीं ए लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है पर्सन ए। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपको, विच कलर पैंट डिड सी वियर, सी ने किस कलर की पैंट पहनी है, किस कलर की? ग्रीन है, किसी ऑप्शन ग्रीन लिखा हुआ है? हाँ सर, सी वाला ऑप्शन देखिए वहां ग्रीन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच कलर पैंट डिड बी वियर, बी ने किस कलर की पैंट पहनी है? ब्लू कलर की, देखिए ब्लू कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। पांच क्वेश्चन का सेट आपके सामने, बताइए क्या 1:1 का ये पैटर्न आपको समझ में आया? तो देखिए वेरिएबल अब जितने मर्जी आ जाए यहाँ पे, शर्ट है, पैंट है, मान लीजिए कुछ और पहन रहा है, ट्राउजर है, उसके साथ साथ टाई है, बेल्ट है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ऐसे हम वन बाई वन वहाँ पे लिखते जाएंगे। अब इसको आप चाहें तो वर्टिकल भी लिख सकते हैं कि पर्सन सारे यहाँ लिख दीजिए, फिर इसका यहाँ पे कलर ऑफ शर्ट लिख दीजिए, यहाँ पे कलर ऑफ पैंट लिख दीजिए, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो चलिए आइए इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि देयर आर 7 बुक्स, वन ईच ऑन साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी, लाइंग ऑन अ टेबल वन अबव द अदर। अब यहाँ पे आप देखें कि ये इन्फॉर्मेशन 1:1 की नहीं है, है ना। अगर 1:1 की नहीं है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या कह रहा है, एक टेबल पे कुछ बुक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। सात किताबें हैं, है ना, तो सात किताबें जो एक दूसरे के ऊपर एक टेबल पर रखी हुई हैं, इनको मुझे अरेंज करना है। जब इनको मुझे अरेंज करना है तो इसके अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या होगा? देखिए 1:1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिर्फ पैटर्न भी सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन की पहली लाइन देखते ही हम कैसे ये चीज जज कर पाएंगे क्वेश्चन किस कैटेगरी से बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगली इन्फॉर्मेशन क्या बोली गई, कह रहा है सोशियोलॉजी इज ऑन द टॉप ऑफ ऑल द बुक्स, कह रहा है सोशियोलॉजी सभी किताबों में सबसे ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले हम यहीं पर लिख देते हैं सोशियोलॉजी। बोलिए सही इन्फॉर्मेशन, चले आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटेंसी इज इमीडिएटली बिलो एजुकेशन, अकाउंटेंसी जो है एजुकेशन के ठीक नीचे है। मुझे पता नहीं है कि एजुकेशन कहाँ पे है, अकाउंटेंसी जो है वो एजुकेशन के ठीक नीचे। हमने यहाँ पे ऐसे क्लू बना दिया कि ये कॉम्बिनेशन जब मुझे कहीं पता चलेगा तो उसको हम आसानी से फिल कर लेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि अकाउंटेंसी एजुकेशन के ठीक नीचे है, विच इज इमीडिएटली बिलो सोशियोलॉजी, जो कि सोशियोलॉजी के ठीक नीचे है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी दो स्टेटमेंट को कंजंक्शन हु या विच के साथ ऐड किया जाए तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसके बाद का जो भी डेटा होगा वो सारा किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो भी होगा। देखिए अकाउंटेंसी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है और सेकंड प्लेस पे क्या लिखा है, एजुकेशन। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी कंजंक्शन एंड या बट आएगा तो उसके बाद का सारा डेटा ये किसके लिए हो जाता है, अकाउंटेंसी के लिए हो जाता है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या लिखा हुआ, विच लिखा हुआ है, विच का मतलब सारा डेटा किसके लिए बोला गया है, सारा डेटा बोला गया है एजुकेशन के लिए। तो ये कह रहा है कि विच इज इमीडिएटली बिलो सोशियोलॉजी, तो एजुकेशन के लिए कह रहा है कि सोशियोलॉजी के
ठीक नीचे है। सोशियोलॉजी के ठीक नीचे कौन है? एजुकेशन है। अब जरा ध्यान दीजिए, सोशियोलॉजी को तो पहले ही आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अगर सोशियोलॉजी यहाँ प्लेस है तो उसी के जस्ट नीचे आप क्या लिख दीजिए, बोलिए, उसी के जस्ट नीचे आप लिख दीजिए एजुकेशन और उसी के जस्ट नीचे आप लिख दीजिए अकाउंटेंसी। ये बहुत ही सिंपल लेवल का पजल चल रहा है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पजल की शुरुआत ऐसे ही होती है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करना है और फिर इसका जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे लेवल के, तब हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली। बस मैं आपको फिर फॉर्मेट नहीं सिखाऊंगा, सीधा देखूंगा कि क्वेश्चन इस कैटेगरी का है और सॉल्व करने का तरीका ये होगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कह रहा है इकोनॉमिक्स जो है वो साइकोलॉजी के ठीक ऊपर है। फिर से वही कहानी, अभी मुझे कुछ क्लू नहीं पता है, हमने साइड में लिख दिया कि इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी के ठीक ऊपर है, है ना। इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली साइकोलॉजी बट नॉट इन द मिडिल। ये बट बोला गया तो बट मैंने कहा था कि एंड या बट जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाएंगे हमेशा ध्यान रखना है कि उसके बाद का सारा डेटा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। फर्स्ट पर्सन किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए कह रहा है। इकोनॉमिक्स मिडिल में नहीं हो सकता, मिडिल मतलब टोटल 7 प्लेसेस हैं, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स आपका मिडिल में नहीं हो सकता। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी तो हमने क्या किसको छोड़ दिया यहीं पे, है ना। अगली इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी इज इमीडिएटली बिलो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ठीक नीचे कौन है? हिंदी है। अब साइकोलॉजी देखिए यहाँ पे कॉमन आ गया तो उसी के जस्ट नीचे आप क्या करिए, हिंदी को प्लेस कर दिए। जितनी जल्दी आप कॉम्बिनेशन बनाना सीख लेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही डेटा था, आइए इसको अरेंज करते हैं। अभी हमसे कह रहा है कि इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी हिंदी तीनों लगातार होंगे, और अगर तीनों लगातार होंगे तो यहाँ तो प्लेस है नहीं, यही चारों प्लेस है जहाँ मुझे इनको प्लेस करना है। इकोनॉमिक्स यहाँ हो नहीं सकता तो जाहिर से बात है इकोनॉमिक्स को आप यहाँ पे लिख नहीं सकते। अगर इकोनॉमिक्स यहाँ नहीं हो सकता तो अगर मैं इकोनॉमिक्स को यहाँ सोचूँ तो साइकोलॉजी यहाँ आ जाएगी, हिंदी उसके जस्ट नीचे आ जाएगी, बोले। और इसके नीचे हम इसको प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तीसरे परसेंट हिंदी के लिए भी कोई स्पेस नहीं बचेगा। तो ये कन्फर्म हो गया कि सर इकोनॉमिक्स को आपको यहाँ पे प्लेस करना है, इकोनॉमिक्स के बाद यहाँ मुझे साइकोलॉजी को प्लेस करना है, ठीक है, और साइकोलॉजी के जस्ट बाद यहाँ पे किसको प्लेस करना है, हिंदी को प्लेस करना है। देखें तो शुरू शुरू के जितना डेटा दिया गया था उसमें एक बच गया इंग्लिश, तो इंग्लिश को आपने यहाँ प्लेस किया और आपके पास आपका सीक्वेंस बन, ठीक है भाई। तो डेटा आपके सामने शो हो चुका है, आइए देखते हैं इसके यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, विच थ्री बुक्स आर बिटवीन अकाउंटेंसी एंड हिंदी। कह रहा है अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में कौन सी तीन किताबें। देखिए भाई अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में तीन किताबें मेरे पास, इंग्लिश इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी। इसका सीक्वेंस वहां पे आगे पीछे हो सकता है आपके ऑप्शन में। देखिए तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है इंग्लिश इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, बोलिए इंग्लिश इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, यही तीनों है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है सेकंड वाला, इकोनॉमिक्स इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। कह रहा है इकोनॉमिक्स जो है वो किन किताबों के बीच में है। देखिए इकोनॉमिक्स किसके बीच में है, इंग्लिश और उसके साथ साथ साइकोलॉजी। देखिए क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, इंग्लिश और साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1:1 के साथ साथ एक आपका, इसको बोलते हैं कॉमन सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हुआ, ठीक है। तो आज पजल में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों इसके दो कैटेगरी को देखा, एक हम लोगों देखा सीक्वेंशियल अरेंजमेंट और दूसरा हमने सबसे इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस किया, इसको हम क्या बोलते हैं 1:1 रेशियो। 1:1 प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, इस पर भी करनी है क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन जिसमें भी पजल के पूछे जाते हैं, जैसे DSSB है या फिर KVS का पैटर्न है या फिर पर्टिकुलरली आपका CTO वगैरह जो भी पेपर है, हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, जो भी एग्जाम है जिसमें भी पजल का क्वेश्चन होगा, इसमें ऐसे ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन पर प्रैक्टिस आप करना है। अब आपके लिए आज का टास्क क्या है, टास्क आपके लिए ये है कि आपको पहले ये पहचानना है क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, तब उसके यहां पे आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके जो उसका आंसर होगा जो क्वेश्चंस पे पूछे जाएंगे आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको पोस्ट करना है। तो देख रहे हैं भाई कि उसका आंसर कितने लोग निकाल पाते हैं। अगर किसी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो भी आप उसके लिए आप कमेंट अपना फीडबैक जरूर देंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल के आ पा रहा। अगले वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन करके फिर हम लोग आगे देखेंगे कि 1:1 की अगली कैटेगरी जिसमें वेरिएबल आपके 3 या 4 भी अगर आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने का फंडा क्या होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास और देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आगे कहानी क्या बननी है। तो पजल की दो कैटेगरी आपके सामने आ चुकी है, ठीक है, तो इसको समझिए, देखिए क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज से डिसाइड करिए कि क्वेश्चन 1:1 का कौन सा है या फिर सिक्वेंशियल अरेंजमेंट का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।